नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पिछले कई दिनों से नरकीय जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। इलाके के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिर में नाली का गंदा और बदबूदार पानी भरा। सावन के महीने में पूजा करने के लिए मंदिर में नहीं जा पा रहे श्रद्धालु। मंदिर में पूजा करने आए भक्त परेशान होकर दिल्ली सरकार और फूड विभाग के खिलाफ जमकर हाय हाय के नारेबाजी किए। मानसून की शुरुआत में फ्लड द्वारा नाली निर्माण के होने से हो रही स्थानीय लोगों की दिक्कतें, मंदिर और गलियों में भरा नाली का गंदा बदबूदार पानी, कई लोग मंदिर जाते समय हुए हादसे का शिकार। पानी के बीच में ईंटों का पुल बनाकर मंदिर के अंदर पूजा करने जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के चंदन विहार राधा कृष्ण मंदिर में है। यहाँ लोगों की परेशानी इस कदर बढ़ चुकी है कि यह लोग आखिरकार मंदिर के अंदर ही दिल्ली सरकार और फ्लड विभाग के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर दिल्ली सरकार हाय हाय के नारे लग रहे हैं। यहाँ लोग इसलिए परेशान है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हालत बनी हुई है। लोग सावन के पावन महीने में मंदिर के अंदर पूजा करने तक नहीं जा पा रहे हैं। राधा कृष्ण मंदिर इलाके का सबसे पुराना मंदिर है और सावन के महीने में यहाँ लोग, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई पूजा अर्चना करने के लिए आता है। लेकिन इलाके में मानसून के समय में फ्लड विभाग ने नाली का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण नाले का निकास को रोक दिया गया है। यह नाले की हालत उस दिन से है कि मंदिर में नाले का गंदा बदबूदार पानी भर चुका है। लोग किसी तरीके से ही ईंटों की पुल बनाकर पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन कई महिलाएं इस तरीके से मंदिर जाते हुए गिर चुकी हैं। बच्चों को चोट आ चुकी है, लेकिन यहाँ की हालत नहीं बदल रही। लोगों का कहना है कि अगर नाले के निर्माण का कार्य होना ही था तो मानसून के समय सावन के महीने में क्यों किया गया, क्योंकि इसके कारण से गलियां और मंदिरों के अंदर नाले का पानी बैंक मार रहा है। हर कोई यह मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द मंदिर के अंदर से जमा इस गंदे पानी को हटाया जाए। सड़ा सड़ रहे हैं, पानी भरा हुआ नाली का, ये बताओ उनको, ये नहीं मालूम है कि पूजा पाठ का दिन है और सावन का महीना है। ए, बड़े बुड्ढे कैसे आएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं पंडित जी के भी, बीमार हो गए, हम गिर गए नाली में तो क्या होगा, ये बताओ। कभी देखने आते हैं, जब से जिस समय वोट चाहिए थी उस समय तो मर रहे थे आकर, ये बताओ अभी ये पानी देखने क्यों नहीं आते, उनका फर्ज नहीं है क्या, आठवें दिन आके देखें। मंदिर के बारे में, हाँ, मंदिर के बारे में, ये मंदिर बहुत पुराना बना हुआ है, ऐतिहासिक मंदिर है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। जी, तब से बरसात हो रही है, नाले का वाक्य चालू है, उसकी वजह से नाला बैक मार रहा है, बैक मारने की वजह से पानी मंदिर में घुसता है। हाँ, पंजाब में भक्तों को बहुत परेशानी हो रही है, मंदिर है, चंदन बिहार का मेन मंदिर है, यहाँ जितने भी कॉलोनी आसपास है सबसे बड़ा मंदिर यही है। हाँ, और यहाँ इतनी गंद है, इतनी गंद है कि आने जाने वाले भी मुंह पे हाथ रखे हैं, जा रहे हैं मंदिर में, कोई जाने रहा है बदबू के मारे, ये लेटरिन का पानी है, सब शिविर का पानी टोटल यहाँ आ रहा है। हाँ, और ये इतना गंदा पानी है कि यहाँ खड़े भी हम नहीं हो सकते, इतनी बदबू इसके अंदर है। तो लोग कैसे जा रहे हैं, सावन का महीना है, जा कैसे रहे हैं, कुछ जा ही नहीं रहे, तो दो चार जा रहे हैं, वो कोई गिर गया, कोई खड़ा हो गया, कोई ईंट वीट लगा गई आपके सामने जा रहे हैं। तो वजह क्या है, क्यों भर गया पानी, ये फ्लड का नाला है, दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, इन्होंने इसको गलत टाइम पे काम शुरू कराया है, ये इस टाइम नाले बनाने का काम नहीं होना चाहिए इस महीने के अंदर। पिछले एक हफ्ते से मंदिर में नाले का बड़ा गंदा बदबूदार पानी जमा हो चुका है। मंदिर में नाले का पानी जमा होने से पूजा करने के लिए लोग नहीं जा पा रहे। पुजारी जी का कहना है कि यहाँ हर रोज 200 से 300 लोग आते हैं, लेकिन इस पानी के कारण कई महिलाएं बाहर से ही हाथ जोड़कर वापस चली जाती हैं। साथ ही मंदिर में रह रहे पुजारी और उनके परिवार को बीमारियों ने घेरा हुआ है। मच्छर इस कदर फैल चुके हैं कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन इलाके में इन लोगों की सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। इतना परेशान है, 24 घंटे बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार हो रहा है, किसी भी कीमत में जो है ये हमारी समस्या का जो सुझाव और हल हमें इमीडिएटली देना है। अब बुराड़ी इलाके के लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उनका कहना है कि अगर जनप्रतिनिधि इनके पास वोट मांगने आए तो इस परेशानी का बदला लिया जाएगा, और मांग यही रहेगी कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करे, इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन बारिश में शुरू हुआ यह काम इतनी जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा है।